देखूंगी 50 फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के बच्चों क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर आज फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश में एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक की। जा रहे हैं उसका टाइटल है हमारे सामने टाइटल आ रहा है एन एक्शन सॉन्ग ना। ये वीडियो स्टैंडर्ड फॉर इंग्लिश लेसन के लिए, ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो को तैयार करने वाले यानी मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश की एक नई पोएम लेकर, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पोएम। यूनिट 1 एन एक्शन सॉन्ग। यहाँ पर जैसा कि आपकी तरह के कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, जो बच्चे एक साथ सर्कल बनाकर खड़े हुए हैं और सर्कल बनाने के बाद वो अलग अलग एक्शन कर रहे हैं और हर एक्शन के साथ वो उस एक्शन को बयान भी कर रहे हैं। बच्चों ये पोएम दरअसल आपको क्लास में करनी थी, लेकिन चूंकि आजकल COVID-19 की वजह से हम लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और हमारा ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो हम इसे क्लास में तो नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने आसपास के अगर कोई बच्चे हों, आप उनसे मिलते हैं तो आप उनके साथ या फिर आपके घर में जो आपके भाई बहन हैं जो आपसे थोड़े बड़े होंगे उनके साथ भी ये पोएम एक्शन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पहली लाइन है चेंज होती रहेगी और तीन तीन मर्तबा उसे पढ़ना है ना। चलिए हम एक मर्तबा उसे सिर्फ रीडिंग करेंगे, फिर उसको रिदम के साथ यानी गाकर भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वील ऑल ज्वाइन इन अ सर्कल, इसका मतलब क्या होता है कि हम सब सर्कल बनाकर खड़े हो जाएंगे, जैसा कि पिक्चर में भी हमें दिखाई दे रहा है कि सब बच्चे सर्कल बनाकर खड़े हुए हैं, तो वो वही कह रहे हैं कि वील ज्वाइन इन अ सर्कल, यानी हम लोग सर्कल बनाकर खड़े हो जाएंगे। और आगे इसी बात को उन्होंने तीन मरतबा रिपीट किया है, वील ऑल ज्वाइन इन अ सर्कल, वील ऑल ज्वाइन इन सर्कल। और लास्ट लाइन में कहते हैं एंड सिंग अ सॉन्ग और टू। तो देखिए यहाँ पर बच्चों किस तरह से ये चार लाइन्स हैं जिसमें एक लाइन तो रिपीट हो रही है और फिर जो सेकंड जो चेंज हो रही है वो लाइन उसमें आ रहा है एंड सिंग अ सॉन्ग और टू। तो चलिए उसे हम रिदम के साथ पढ़ते हैं ना, आप भी मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। पहले मैं पढ़ता हूँ। वील ऑल ज्वाइन इन अ सर्कल, we'll all join in a circle, we'll all join in a circle and sing a song or two, and sing a song or two. आप भी रिपीट करेंगे। we'll all join in a circle, we'll all join in a circle, we'll all join in a circle and sing a song or two, and sing a song or two. That's it. अब यहां पर सेकंड स्टांजा पर आते हैं। सेकंड स्टांजा में बच्चों का एक्शन चेंज हो गया है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्लैपिंग, राइट? तो क्लैपिंग करते हुए वो बच्चे कह रहे हैं वील ऑल क्लैप हैंड्स टुगेदर, वील ऑल क्लैप हैंड्स टुगेदर ना, मतलब हम सब एक साथ क्लैप करने वाले हैं। तो उसी लाइन को तीन मरतबा रिपीट करते हैं, we'll all clap hands together, we'll all clap hands together, और लास्ट लाइन में कहते हैं and sing a song or two, and sing a song or two. चलिए अब इसको रिदम के साथ हम पढ़ेंगे। we'll all clap hands together, we'll all clap hands together,
We'll all clap hands together and sing a song or two. And sing a song or two. चले आप भी रिपीट करेंगे. We'll all clap hands together. We'll all clap hands together. We'll all clap hands together and sing a song or two. And sing a song or two. Okay? आगे थर्ड एक्शन हमारे सामने है. वही पांच बच्चे एक नए एक्शन के साथ. यहाँ पर वो एक्शन क्या कर रहे हैं? यस, उन बच्चों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया हुआ है. हाथ के पकड़ना को क्या कहते हैं? तो खुद ही से बता रहे हैं. लाइंस हमारे सामने आ रही हैं. विल ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर. विल ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर. विल ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड सिंग अ सॉन्ग और टू. एंड सिंग अ सॉन्ग और टू. तो ये थर्ड स्टांजा हो गया जिसमें एक्शन चेंज हो गया था. यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? ज्वाइन हैंड्स. ज्वाइन हैंड्स यानी हाथों को मिलाना, हाथों को जोड़ना. हाथों को जोड़ना से मुराद क्या हो रहा है कि सब बच्चे एक दूसरे के हाथों को पकड़कर खड़े हुए हैं. तो हाथों को पकड़ने के बाद, हाथों को मिलाने के बाद वो गीत गा रहे हैं. तो हम भी रिदम के साथ पढ़ेंगे. We'll all join hands together. We'll all join hands together. We'll all join hands together and sing a song or two. And sing a song or two. आप भी पढ़िए. We'll all join hands together. We'll all join hands together. We'll all join hands together and sing a song or two. And sing a song or two. नेक्स्ट एक्शन हमारे सामने आता है जहां पर ये बच्चे एक नया एक्शन कर रहे हैं. नाउ कैन यू गेस व्हाट इज द एक्शन हियर? यस, दे आर डांसिंग. तो डांसिंग कर रहे हैं और डांस करते हुए वो वही लाइन से हमारे सामने उसी तरह कह रहे हैं. लाइन क्या हो जाती है? जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो उसी एक्शन के बारे में कह रहे हैं ना. क्या कह रहे हैं? वील ऑल डांस टूगेदर. वील ऑल dance together. We'll all dance together and sing a song or two. तो dance together ये action यहाँ पर आ गया था. अब उसे हमें गाकर भी पढ़ना रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. पहली लाइन क्या है? We'll all dance together. We'll all dance together. We'll all dance together and sing a song or two. And sing a song or two. आप भी रिपीट करेंगे. We'll all dance together. We'll all dance together. We'll all dance together and sing a song or two. And sing a song or two. Next action में यहाँ पर ये क्या action हो रहा है? बिल्कुल सही पहचाना आपने. सब बच्चे टर्न अराउंड हो गए हैं ना. सब जो पहले एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे अब वो टर्न अराउंड हो गए हैं, पीछे की तरफ देख रहे हैं और उसी को लाइन में बयान भी कर रहे हैं. क्या कहते हैं? We'll all turn around together. We'll all turn around together. We'll all turn around together. Turn around यानी क्या? पीछे की तरफ मुड़ जाना. We'll all turn around together and sing a song or two. तो बच्चे यहाँ पर जो एक्शन कर रहे हैं वही हमारे लाइन्स में भी आ रहा है. क्या कहते हैं? We'll all turn round together. We'll all turn round together. We'll all turn round together and sing a song or two. And sing a song or two. रिपीट करेंगे. We'll all turn round together. We'll all turn around together. We'll all turn round together and sing a song or two. And sing a song or two. Now next action is, क्या हो रहा है इस एक्शन में? सब बच्चे अब जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. मीन्स वो सिट हो गए हैं, राइट? तो उसी चीज को यहाँ पर लाइंस में बता दिया गया कि वील ऑल सिट डाउन टुगेदर.
We'll all sit down together and sing a song or two. तो यहाँ पर जो एक्शन है उसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है. यहाँ पर एक्शन हो रहा था सिट डाउन का. चलिए हम उसे गाकर पढ़ते हैं. We'll all sit down together and sing a song or two. आप भी रिपीट कीजिए. We'll all sit down together and sing a song or two. Very good. Now, यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन हमारे सामने है जहाँ पर सब बच्चे खामोश बैठे हुए हैं ना, कोई भी बात नहीं कर रहा है. तो खामोश बैठने की वजह से, खामोश बैठना को क्या कहते हैं? Keep quiet. तो यहाँ पर सभी बच्चे क्वाइट हैं, खामोश बैठे हुए हैं और उसी को लाइंस में बयान किया हुआ है. क्या कहते हैं? We'll all be quiet together and sing a song or two. तो यहाँ पर be quiet या keep quiet का मतलब होता है खामोश रहना, बात ना करना. तो ये बच्चे खामोश हैं और उसी चीज को बयान भी कर रहे हैं. कहते हैं We'll all be quiet together and sing a song or two. आप भी पढ़ेंगे. We'll all be quiet together and sing a song or two. अच्छा, यहाँ पर अलग अलग एक्शंस हमारे सामने आ रहे थे. कौन कौन से एक्शन आ रहे थे, चलिए हम एक एक एक्शन को देख लेते हैं. पहले हमारे सामने एक्शन आ रहा था जहाँ पर सारे बच्चे ज्वाइन इन अ सर्कल यानि सर्कल बनाकर खड़े थे. उसके बाद सब बच्चे क्लैप हैंड्स यानि तालियां बजा रहे थे. उसके बाद ज्वाइन हैंड्स यानी हाथ मिलाकर खड़े हुए थे. उसके बाद डांस कर रहे थे, डांस टुगेदर. उसके बाद टर्न राउंड टुगेदर यानी पीछे मुड़ गए थे. उसके बाद सिट डाउन, और सिट डाउन के बाद कीप क्वाइट या बी क्वाइट. इस तरह ये अलग अलग एक्शंस थे जो यहाँ पर ये बच्चे हमें करके दिखा रहे थे. जो आपको भी ग्रुप की शक्ल में सॉन्ग परफॉर्म करना है, लेकिन चूंकि आजकल स्कूल बंद है तो हम स्कूल में उसे नहीं कर सकेंगे. आप अपने घर पर अपने भाई बहनों के साथ कोशिश कीजिए उस एक्शन को करने के लिए. इस वीडियो को आप BMC के YouTube चैनल पर देख रहे हैं. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बच्चे इस वक्त नहीं देख सके हैं आप उनको भी शेयर कीजिए. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. वीडियो देखने के लिए थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय.